आज का वीडियो है बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मैं आज अपना जो पर्सनल एक्सपीरियंस है वो शेयर करने वाला हूँ। जैसे आप कह सकते हो कि जो मैंने अपनी शॉप को स्टार्टअप किया था उस वक्त से लेके आज 3 साल हो गए मेरी शॉप को, तो क्या क्या प्रॉब्लम आई थी स्टार्टिंग में और क्या क्या दिक्कतें आई हैं, और वो सब चीज़ मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ जो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जो आप अपनी शॉप को स्टार्टअप कर रहे हो, नए बंदे हैं, तो उनको सही से मैं आपको गाइड कर पाऊँगा इस वीडियो में। क्योंकि जो मैंने जो इस शॉप को स्टार्टअप किया था, मैंने जो इस शॉप को 5,000 से शुरू किया था, बस ज़्यादा कोई इन्वेस्टमेंट मैंने किया नहीं था। बट आज की डेट में ये शॉप है मेरी खुद की है, मैंने किराए से शुरू किया था, लेकिन आज की डेट खुद की मेरी है शॉप। तो इस चीज़ को आप समझ सकते हो कि भाई कितना मैंने इन्वेस्टमेंट किया है, कितना प्रोग्रेस किया है, कितना आपने मेहनत की है, वो सब मैंने आपको इस वीडियो में शेयर किया है। तो प्लीज़ मेरे भाइयों, आप इस वीडियो को पूरा देख लेना। यदि आपने डिसीजन लिया है कि मुझे एक शॉप खोलनी है, तो फाइनली ये डिसीजन मेरे हिसाब से बहुत ही अच्छा डिसीजन है। और इसका क्या क्या बेनिफिट है आने वाले टाइम में, आपको क्या क्या बेनिफिट होगा, क्या क्या फ़ायदे होंगे, वो भी आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। और इसके साथ में मैं आपको बताना चाहूँगा कि आप कहीं है जो 60 साल 50 साल 30 साल भी या 10 साल भी आप कोई नौकरी करोगे प्राइवेट कंपनी या कोई भी, तो उसका क्या बेनिफिट है, और आप अपनी खुद जो अपना शॉप में जो मेहनत करोगे 10 साल 15 साल, तो उसका क्या बेनिफिट है। तो दोनों को हम कंपैरिजन करते हुए चलेंगे तो बहुत ही अच्छा रहेगा। चलो इस वीडियो की शुरुआत करते हैं, आपको बताते हैं मेरे भाई के जो इसका क्या क्या बेनिफिट हैं और कहाँ से हम शुरुआत करनी चाहिए, कितने पैसे लगाने चाहिए, ये सारे डाउट हैं जो बहुत से आम लोगों के होते रहते हैं। तो मैं आपको पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर करने वाला हूँ। चलो इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले मेरे भाई, बहुत से लोग मुझे कहते रहते हैं कि भाई हाँ, इस शॉप को खोलने के लिए, यानी एक्स वाई जेड जो भी हम शॉप खोल रहे हैं, खोलने के लिए कितने पैसों की ज़रूरत होती है। तो ये बहुत ही बड़ा एक दिमाग में चलता है, एक फतूर कह सकते हो, दिमाग में एक कीड़ा लगता है, वैसा ही एक आम लोगों का ये सवाल होता रहता है। हम जिस भी फील्ड में उतर रहे हैं उसमें कितना पैसा लगाना चाहिए, ये सब आम लोगों से पूछते रहते हैं, और वो अपने फ्रेंड सर्कल है या अपने जो भी आसपास के लोग हैं उनसे ये डिसीज़न लेते रहते हैं कि मुझे कितना पैसा लगाना चाहिए वो सब। पर मैं आपको जो एक्सपीरियंस शेयर कर रहा हूँ ना, ये मेरा खुद का है, तो आप मान सकते हो आप। तो भाई लोगों, बहुत से लोग कहते रहते हैं कि भाई मुझे अपनी शॉप में कितना पैसा लगाना चाहिए या कितना पैसा ज़रूरत होता है अपनी शॉप को ओपन करने के लिए, सही से एक खोलने के लिए। तो मैं आपको अपना सजेशन देना चाहूँगा। देखो, जब मैंने अपनी शॉप को स्टार्टअप किया था उस वक्त मेरे पास में ज़्यादा कोई पैसा था नहीं, और रियलिटी में बता रहा हूँ मेरे भाई कि मेरे पास में सिर्फ 5,000 था, और 5,000 में मुझे सब कुछ करना था। तो आप सोच सकते हो कि भाई मैंने कहाँ से लेके आज किस लेवल तक मैं पहुँचा हूँ, तो आप इस चीज़ को समझ सकते हो। और मेरे जो परिवार वाले हैं, जो अपने फैमिली वाले हैं, जो मम्मी पापा हैं, वो इतने हाई प्रोग्रेस वाले नहीं हैं, मीडियम फैमिली से ही हैं हम, तो आप इसको भी समझ सकते हो। मैं वही चीज़ कहूँगा कि भाई आपको अपने जो है ना आमदनी के हिसाब से चलना है। क्योंकि आज आपने 10 लाख का माल भर दिया, उसका कहाँ से आप उधार लाओगे, क्या करोगे और कितना इन्वेस्टमेंट करोगे, तो वो सब आपके दिमाग पे मैटर करता है। और कितना इन्वेस्टमेंट करना है ये सब आपके डिसीजन पे होता है। क्योंकि लोग तो आपको कहते रहेंगे भाई 10 लाख ज़रूरत होती है, 5 लाख ज़रूरत होती है। मैं आपको यही कहूँगा कि आपके कोई पैसों की ज़रूरत नहीं होती है, अपनी दुकान को ओपन करने के लिए सिर्फ अपना माइंड की ज़रूरत होती है। यदि आपने सही से अपना माइंड लगा दिया तो 100% आप 0 रुपये से अपनी बिजनेस को स्टार्ट कर सकते हो, शॉप को खोल सकते हो। कैसे, मैं आपको बता रहा हूँ। देखो, आपने कोई इलेक्ट्रिकल की शॉप खोलना चाहते हो, इलेक्ट्रिकल में आप घुस गए हो, इलेक्ट्रिकल का आपको नॉलेज है, तो आप रिवेंडिंग की शॉप खोल सकते हो। रिवेंडिंग में ज़्यादा कोई इसमें इन्वेस्टमेंट नहीं होता है, ज़्यादा इसमें कोई पैसा लगाना नहीं होता है, सिर्फ थोड़ा सा पैसे से आपका जो सारा काम शुरू हो जाता है। तो मैं आपको यही सजेस्ट करूँगा, यदि आपने थोड़ा बहुत ज्ञान है और जो कोई भी जो रिपेयरिंग वगैरह का काम जानते हो, तो आप मेरे हिसाब से सजेशन यही रहेगा कि आप रिपेयरिंग का काम शुरू कर दो, और उसमें ज़्यादा खर्चा नहीं होता है, और उसमें बेनिफिट भी ज़्यादा होता है, और पैसा भी ज़्यादा मिलता है, अच्छी आपकी आमदनी हो जाएगी। उसके बाद में आप चाहो तो अपने ग्रोथ कर सकते हो, अपने हिसाब से जो भी आप माल लेना चाहो सप्लाई कर सकते हो, अपने ग्रोथ अपने बिजनेस को है बहुत ही अच्छा कर सकते हो शानदार तरीके से। मैंने जो शुरुआत की ना, मैंने अपने रिपेयरिंग से शुरू की है मेरे भाई, और सच में आपको रियली में बता रहा हूँ, रिपेयरिंग में बहुत ही अच्छा पैसा है, और रिपेयरिंग में बहुत ही अच्छा बेनिफिट मिलता है। क्योंकि कोई भी चीज़ है उसको रिपेयर करने में है थोड़ा सा टाइम लगता है, लेकिन उसका पैसा भी बहुत ही अच्छा होता है। ठीक है, तो बाकी जो कोई भी चीज़ इलेक्ट्रिकल में या कोई भी जो आप जिस चीज़ का खोल रहे हो ना, मेरे हिसाब से आप रिवेंडिंग का करो या कुछ भी करो, लेकिन आपका डिसीजन होना चाहिए। ये सब आपका डिसीजन है तो बेस्ट है, और आप बहुत ही अच्छे ग्रो करने वाले हो। क्योंकि ये बहुत से लोग अपने दूसरा डिसीजन लेते हैं कि भाई ये जो किस चीज़ की हम शॉप खोलें, तो ये डिसीजन सब आपका है तो बेस्ट है मेरे हिसाब से। मैंने जो अपनी शॉप को लेके ओपन किया था, तो मैंने खुद अपना शॉप का जो डिसीज़न है मैंने खुद लिया था, और सब कुछ जो माल से लेके हर एक पार्ट तक मैंने खुद अपना मेहनत की है, और सब चीज़ें मैंने खुद मैनेजमेंट किया है, तो सब मुझे इस चीज़ का पता है। और इसके साथ में मैं आपको बताऊंगा, मुझे इस फील्ड का नॉलेज है, मैंने जो आईटीआई भी कर रखी है, और 3-4 साल का मुझे इस फील्ड में एक्सपीरियंस है, तो मुझे इस चीज़ का नॉलेज है भाई।
इसलिए मैं जो ये सब कुछ कर पाया हूँ। और यदि आपको थोड़ा बहुत भी ज्ञान है तो मेरे हिसाब से बेस्ट है, क्योंकि कहीं है जो 12 घंटे की नौकरी करने से बेस्ट है मेरे भाई कि अपना खुद का बिजनेस स्टार्ट कर दो और अपने खुद के मुताबिक ही अपना सब कुछ होगा और किसी के दायरे में रह के काम नहीं करने की ज़रूरत रहेगी और आने वाले टाइम में अपनी फैमिली के लिए बहुत ही अच्छा ये ऑप्शन छोड़ जाओगे। क्योंकि बहुत से लोग मेरे जो भाई लोग हैं कहते रहते हैं कि भाई मुझे प्राइवेट जॉब है, प्राइवेट जॉब है, मेरे 20,000 है, 50,000 है सैलरी, तो वो कब तक होगी? जब तक वो काम करेंगे, और वो छोड़ते ही उनकी परिवार वालों को क्या मिलेगा? कुछ नहीं, जीरो। और इस बिजनेस में ये है कि जो खुद वो बिजनेस काम करेगा, 10 साल भी उसने मेहनत की और उसने छोड़ दिया बाय चांस, उसके जो कुछ भी हो गया, तो उसके परिवार वाले उससे जो बिजनेस को स्टार्ट कर सकते हैं और वहीं से शुरू कर सकते हैं। उनका जो टर्नओवर यदि 1 लाख का था तो वो आने वाले कुछ दिनों में वो 2 लाख 3 लाख के आसपास टर्नओवर रहेगा। बट इसमें जॉब में आपका कोई बेनिफिट नहीं है, यानी जॉब में आपका कोई भी जो प्रॉफिट नहीं है। मैं आपको रिलेटिव बता रहा हूँ, आपने 10 साल 15 साल आपने गधे के साथ में नौकरी की है, गधे के साथ घिसे हो यार, बहुत ही अच्छी मेहनत की वहाँ पे, लेकिन उसका रिजल्ट वहाँ पे नहीं मिलेगा आपको। पैसा मिल सकता है लेकिन वो आपको रिजल्ट नहीं देगा। रियल में बता रहा हूँ, मैंने भी जो 6 साल में जो कहीं जॉब की उसके साथ में पैसा इकट्ठा किया थोड़ा थोड़ा, फिर जो ऐसे देखा कि भाई ये जो अभी शॉप खोल देना चाहिए लास्ट ऑप्शन है, मेरे पास में कुछ भी नहीं था और इसके साथ में जो बहुत सी प्रॉब्लम आने लग गई यार मेरे का अभी क्या करना चाहिए क्या करना चाहिए, लेकिन फिर भी मैंने हिम्मत रखी, हारा नहीं। बस यही चीज़ है मोटिव, मैं आपको ये कहूँगा कि बिल्कुल हारना नहीं है। प्रॉब्लमें बहुत ही आएगी, दिक्कतें बहुत ही आएगी, लेकिन हारना नहीं है बस। ये बहुत बड़ा ये कह रहा हूँ, जो इसको गांठ बांध देना, क्योंकि बहुत से लोग कहते हैं कि भाई आज शॉप स्टार्ट की, किराए पे उसने शुरू किया, और किराए कहाँ से भरेगा? ये बहुत ही बड़ा एक आम लोकल के दिमाग में होता है कि भाई किराए कहाँ से भरेगा। मैं आपको वही कहूँगा कि भाई आपको इस चीज़ को टेंशन नहीं लेना है, आज उसको नहीं मिल रहा है लेकिन आने वाले 10 दिन 15 दिन 1 महीने 2 महीने 3 महीने बाद उसका जो पेमेंट है मिलना शुरू हो जाएगा, और जो उसने पैसा लगाया है ना उसका रिटर्न मिलना शुरू हो जाएगा। भरोसा अपने आप पे होना चाहिए, मेहनत आपकी होनी चाहिए, रंग एक दिन हर दिन लाएगी लाएगी आने वाले टाइम में। देखो नौकरी करना वो भी बहुत बड़ी बात नहीं है भाई, नौकरी तो कहीं पे भी मिल जाएगी, जॉब कहीं पे मिल जाती है, लेकिन वही है कि अपने बिजनेस को स्टार्ट करके 10 बंदों को रख देना ये बहुत बड़ी है ना। तो ऐसे काम करो भाई कि जो आपके साथ में आपके नीचे रह के भी बहुत से लोग जॉब कर सके, अपना एक उनके परिवार को चला सके, ये बहुत बड़ा मैटर करता है। तो मेरे हिसाब से आपके लिए बहुत अच्छा ऑप्शन है मेरे भाई कि आपने जो डिसीज़न लिया है एक शॉप को खोलने का, बहुत ही अच्छा डिसीज़न है। इसको पीछे नहीं लेना है और हारना नहीं है, ये सबसे बड़ा मोटिव है मेरे भाई कि आपको हारना नहीं है। क्योंकि बहुत से लोग आपको डराएंगे, घबराएंगे और कहते रहेंगे भाई कि कुछ नहीं होता है तेरे से, भाई बंद कर दे, ताला लगा दे, लेकिन आपको खुद अपने दिमाग पर माइंड सेट कर देना है मुझे बंद नहीं करना है, माल कम कर देना है, कम अपना पैसा लगाना शुरू कर देना, लेकिन बंद नहीं करना, ये बहुत ही बड़ा मोटिव है मेरे भाई। और इसका जो एक मैं आपको एग्जांपल बताऊं, देखो मेरे साथ वाले बहुत से लोग इस डिसीजन पर पहुंचने के लिए भी अभी सोच ही रहे हैं मेरे भाई, सच में रियल में बता रहा हूं। जब मैंने जो 10th कर रहा था, 12th कर रहा था, इस वक्त जो बहुत से मेरे साथी थे वो बोलते रहते कि भाई मैं थोड़ा सा और हो जाऊँ, 1-2 साल में मेहनत कर दूंगा, उसके बाद में मैं अपनी शॉप खोल दूंगा। इसके साथ में मैं जो दूसरी कंपनियों में जॉब करता था वहाँ के मेरे साथी, वहाँ के लोग भी कहते थे कि भाई मैं 2-3 साल और काम कर दूँ फिर उसके बाद में मैं शॉप खोलूँगा, लेकिन उनका आज भी डिसीजन है भाई, कुछ नहीं कर पाए वो। तो आपको जल्दी से जल्दी इससे जो कदम को अच्छे से परफॉर्मेंस करना है, अच्छे से करना है इसको, और ओपन कर देना है। पैसा आपके पास में ज़्यादा कुछ नहीं हो फिर भी आपको इस मैदान में ज़रूर कूद जाना है, क्योंकि ये बहुत बड़ा मोटिव है। ये आपकी जो जैसे जैसे आपकी ये जो एज हो रही है ना, जैसे जैसे टाइम आ रहा है, आपकी ये सोच भी आपकी बदल जाएगी और ये जो आप डिसीज़न ले रहे हो ना ये भी ख़त्म हो जाएगा। तो डिसीज़न आज ही लेना चाहिए और बहुत जल्दी लोगे तो बहुत ही अच्छा है ना। तो बस ये जो मेरे हिसाब से जो एग्जांपल दिया हूँ, मैंने जो एक्सपीरियंस है किया हूँ, ये मेरे हिसाब से बहुत ही काफ़ी है। और इसके लिए बहुत से लोग कहते रहते हैं कि भाई ये जो मैं कौन से एरिया में शॉप खोलनी चाहिए और कहाँ पे खोलें, तो ये आपको खुद फील्ड में उतरना पड़ेगा, खुद नॉलेज करना पड़ेगा कि आसपास में किस चीज़ की रिक्वायरमेंट है, और आपको जिस फील्ड का नॉलेज है, अच्छे से ज्ञान है भाई कि उस चीज़ का मुझे अच्छे से ज्ञान है, मैं उस चीज़ की खोलूँगा तो कहीं ना कहीं काम आएगा ही आएगा। तो मेरे हिसाब से वो बेस्ट है। अपने आप पे भरोसा, आत्मविश्वास ज़रूरी है, क्योंकि बहुत से लोग जो उनको नॉलेज नहीं है फिर वो दुकान खोल देते हैं, वो ताला लगा के फिर भाग जाते हैं। तो हारना नहीं है, नाकार नहीं होना है, हारना नहीं है, ये बहुत बड़ी है। आपको जिस फील्ड में नॉलेज है उसी की शॉप खोलो तो 100% सक्सेस हो जाओगे। और आज की डेट बता रहा हूँ, मैंने जब अपनी शॉप को शुरू किया था मेरे पास ज़्यादा कुछ पैसा नहीं था,
सिर्फ 5000 था, 5000 से शुरू किया था, और आज की डेट में मैंने जो शॉप है जो किराए पे मैंने शुरू की थी, आज की डेट वो सब मेरी शॉप है। और सब कुछ जो पीछे देख रहे हो ना, जो आप भी, मैं आपको और भी दिखाता हूँ, देखो बहुत से लोग समझ रहे होंगे भाई ये शॉप नहीं है ऐसा कुछ है, तो मैं आपको बता दूँ, देखो सारा कुछ अभी जो माल वगैरह भरा हुआ है, और बहुत से जो भी इसमें माल स्टॉक भी पड़ा है, और इसके साथ में मैं आपको बताना चाहूँगा मेरा गोदाम भी है। तो भाई लोगों, आप सोच सकते हो कि कितना पैसा है, कितना क्या है, कितना इन्वेस्टमेंट करना होता है, सब चीज़ आप अपने आप पर विश्वास रखो। मैंने तो मेहनत कर दी है और मैंने बहुत अच्छा ग्रोथ किया है और आगे भी कर रहा हूँ, पर भरोसा ये सब मेरा था और खुद मैंने ही मेहनत थी, इसीलिए अभी रंग ला रही है। तो अपने आप पे विश्वास होना चाहिए, मेहनत आपकी होनी चाहिए, और डिसीजन भी आपका होगा तो 100% रिजल्ट लाएगा ही लाएगा। आई होप कि ये छोटी सी वीडियो पसंद आए, तो वीडियो लाइक कर देना, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर देना। भाई मिलते हैं और नई वीडियो के साथ में, नई किसी जो नए टॉपिक के साथ में, और कुछ भी जो आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए तो मेरे से आप व्हाट्सएप नंबर है मेरे स्क्रीन पर शो हो रहे हैं, आप मेरे से संपर्क कर सकते हो।